अधिक पैदावार लेने के लिए किसान भाई उन्नत बीज और खाद का उपयोग करते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं। इतना सब करने के बाद भी कई किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। कारण है उनके खेत की भूमि का क्षारीय होना। क्षारीय भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक और विनियमशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। इसमें पानी को सोखने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार की मृदा सूखने पर सीमेंट की तरह कठोर हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को नहीं मिल पाते हैं और उपज नहीं के बराबर मिलती है। हम क्या है कि अर्थ से जुड़े हुए, भूमि से जुड़े हुए किसान हैं जो हम खेती करते हैं। और इस खेती के अंदर क्या है कि हम सरसों की पैदावार करते हैं, जो अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था, तो हम पास के सुपरवाइजर से बात की तो उन्होंने भूमि की जांच करने के लिए बोला। तो हमने भूमि की जांच करवाई उनके थ्रू, तो उन्होंने बताया कि सारी भूमि है, इसमें जिप्सम का इसमें उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो हमने उनके बताए अनुसार इसमें 3 मेट्रिक टन जिप्सम का इसमें प्रयोग किया। और फिर बाद में हमको सुपरवाइजर ने बताया कि इसमें डेचा की फसल का भी आप जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका हमने डेचा बोया फसल के अंदर और उसको पलटा। पहले जो सरसों की पैदावार होती थी वो 1 बीघा ही कम से कम 3-4 क्विंटल होती थी, पर जब जिप्सम का हमने प्रयोग किया तो उसमें अच्छा मुनाफा हुआ। उसमें क्या है कि 7 से 8 क्विंटल के लमसम प्रति बीघा हमको मुनाफा हुआ। मेरे खेत की मिट्टी खराब हो गई थी, इसलिए हमने किसी कृषि अधिकारी से पूछ के इसके बारे में जानकारी लेके इसकी जांच करवाई। 1 बीघा में 1.25 मेट्रिक टन ये जिप्सम डालूँगा इसके अंदर, और फिर इसको क्यारियाँ बनाऊँगा। क्यारियाँ बना के इसमें डेचा उगाऊँगा। डेचा 3-4 फुट ऊँचा आने के बाद में इसकी जुताई करूँगा। जुताई करने के बाद में इसमें फसल उगाऊँगा।